लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं और शायद मुझे लगता है कि परिचय देने की जरूरत नहीं है और आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ यूट्यूब के ऊपर ही टॉपिक में और सर जो नया कैंपेन लाए हैं वी मैक क्रिएटर्स के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। तो सर मैं बता देता हूँ, परिचय देने की जरूरत होती है हर एक इंसान को अपनी। मैं अमरेश हूँ महात्मा जी टेक्निकल से और अभी मैं छत्तीसगढ़ भिलाई में हूँ, तो वहाँ पे हमारा एक अभी वी मैक क्रिएटर कैंप था जहाँ आप भी आए, बहुत काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ। तकरीबन 4-5 घंटे हमने इस चीज़ों पर डिस्कस करा, यूट्यूब पर कैसे वर्क करना है, कैसे थंबनेल्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, तो ये सारी चीज़ें अभी लास्ट हमारा 5th को डिस्कशन हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम और आप कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सर पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी जो मेन क्वेश्चन निकल के आ रहा है नए यूट्यूबर्स के लिए मोनेटाइजेशन को लेके कि यहाँ पर चैनल उनका मोनेटाइज नहीं हो रहा है और कई लोग यही सोच के स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि मोनेटाइज हम 1000 पूरा नहीं कर पाएंगे, जो नया रूल आया 4000 घंटे का, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखिए मैंने ये सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, अब देते देते मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ देने में। मैं इसका सीधा जवाब देना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं लॉन्ग वे में, ये नहीं कि आज की डाली हिट नहीं हुई तो चल भाई फिर पढ़ाई पर फोकस करते हैं, जॉब पर फोकस करते हैं, वीडियो नहीं चल रहा। नहीं, आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बहुत स्मार्ट ऑडियंस है। जब जियो आया ना, इंटरनेट इंडिया में क्या हुआ, सस्ता हो गया, उस केस में क्या हुआ कि मास ऑडियंस आई, हर कोई जो मर्जी वीडियो डाल रहा है जी। उसमें क्या होता है, अगर आप एक अच्छे क्रिएटर्स हैं तो आपको लगता है अरे यार हम तो बेकार डाल रहे हैं, चल भाई कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं भी आए कम से कम यार हमारा चैनल एक ठीक ठाक से तो रहे, मतलब ऐसे लोग फालतू वीडियो डाल रहे हैं, तो इस केस को फिल्टर कैसे किया जाए। फिल्टर करने का यही तरीका, उन्होंने पहले 10,000 व्यूज़ वाला लेके आए थे, ये वाला सही नहीं हो पाया तो उन्होंने नया प्रोसेस लेके आया कि भाई चलो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। इससे क्या होगा, मैं मानता हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद भी ये मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा, नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम बहुत मास ऑडियंस में क्रिएटर्स बहुत ज्यादा है, हर दिन लाखों लोग अपने चैनल पे ये वाला अचीवमेंट क्रॉस करते हैं और यूट्यूब के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पाए। उसने ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जाएगा, शायद इस चीज़ को उन्होंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया होगा, फिर भी वो जिनके पास उनके पास जो अपनी जो टीम है वो धीरे धीरे वीडियो रिव्यू कर रही है और बहुत से लोग वो चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्रिएटर्स को और मुझे लगता है ये सब बात। सर इसी से रिलेटेड है मोनेटाइजेशन को अगर अपन देखते हैं, इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि अगर कोई यूट्यूब में आना चाहिए, आ रहा है, आना चाह रहा है, तो उसको मतलब क्या देख के आना चाहिए, अपना पैसा, पैसन या और क्या चीज देख के मतलब उसको आना चाहिए? यूट्यूब आपको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वीडियोस आपको बताते हैं कि आप क्या है। मेरा सीधा सवाल है कि यूट्यूब आप क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए, इन्फ्लुएंस मतलब कि कोई बंदा टेक में रिव्यू कर रहा है तो आपको लगता है नहीं मैं भी टेक का रिव्यू कर सकता हूँ, इट मीन्स आपको पता चला कि आपकी पोटेंशियल है कि आप टेक में अपना गैजेट रिव्यू कर सकते हैं, तो ठीक है करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि टेक रिव्यू कर रहे थे, सडनली देखो अरे यार ये वाला काम कर लो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और उस पर 5 मिलियन व्यूज आ गए, तो भाई ऐसी वीडियो मेरे को ही बनानी है। शायद 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा काम करता है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन बाकी लोग जो थे 4999 उनको नहीं मिल पाई, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसीलिए जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिसमें आपके देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, हर बार आप ठीक है स्क्रिप्टेड में बात करनी है, पढ़ के बात करना है, बट कुछ ऐसे टैलेंट्स होने चाहिए कि भाई कैमरा ऑन करूंगा और मैं उसके बारे में 5 मिनट बोल सकता हूँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आई एम श्योर कि यही चीज़ पैशन है, इस चीज़ को देखे आगे बढ़िए तो आप जरूर आपका चैनल सक्सेस। तो सर यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो वी मैक क्रिएटर का जो अपना कैंपेन स्टार्ट किया है, तो इसका जो मेन मोटो वो आप क्या है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझसे पूछा और इसका मेन मोटो सिर्फ इतना है कि इंडिया में आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोग सोचते हैं यार क्या करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप रिपेयर करना था, हाँ, पर मैं गया अच्छी मैंने कोर्स करा, बहुत पैसे खर्च किए, जब मैं जॉब करने गया तो मुझे इंटर्न पे रखा, 2000 रुपये दिए, 6 महीने तक लगा, फिर वहाँ से निकाल दिया, हाँ, जहाँ जॉब करने गया वहाँ 4000 रुपये दे रहे हैं, फिर लगा यार इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च किया क्या करूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो कोई अदर जॉब कर लेगा। तो इसलिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उसी चीज़ को परस्यू करके अपना नेम फेम पैसा सब कमा सकता है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बेस्ट वे है एक यंग जनरेशन को बताना कि आप अपना पैशन, पैसा, सब कुछ यहाँ इस तरीके से अर्न कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, नहीं है तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप बन जाएंगे। तो इस चैनल का मोटो है हम सबको यूट्यूबर्स मतलब टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहता हूँ, मैं उसको उसके
जैसे सपोज है किसी को लैपटॉप आ रहा है रिपेयर करना, मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं उसको बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आप YouTube पे कैसे ले जाएंगे और यहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे। तो मेरा बेसिकली यही कैंपेन है और बहुत से लोग उस चीज़ के लिए जुड़ रहे हैं। सही बात है, हमने देखा। तो सर यहाँ पर नेक्स्ट एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने किसी को बताया कि यार मैं यूट्यूबर हूँ, तो अच्छा यूट्यूबर ऐसा होता है। और रिसेंटली अभी मेरे साथ एक हुआ कि एक बंदे से बात कर रहा था, तो वो बोलता है अच्छा यूट्यूब तो कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा और कुछ जॉब वॉब ऐसा, तो वो कैसे हम उसको हैंडल करें, मतलब कैसे जो नए यूट्यूबर है वो भी इस चीज को फेस करके निकल रहे हैं। ये तो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ। मैं प्रोफेशन एज अ टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को दिल्ली में। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा अच्छा ट्यूशन पढ़ा दो, अच्छा और क्या प्लान है और क्या करना है। मैंने कहा बस यही ट्यूशन ही पढ़ाना है लाइफ में। लोगों को ना सिर्फ पैसे से सबकी मेजरमेंट होती है, अगर आप पैसा ज्यादा अर्न करके दिखाएंगे तभी मानते हैं आप सक्सेस है, नहीं तो नहीं। हाँ। ये एक जनरल आप इंडिया में डेफिनेशन, पर ठीक है हम लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते। ऐसी नेगेटिविटी आप सुनते रहिए और इग्नोर करते रहिए, अपने काम पे फोकस करिए। मैं जानता हूँ किसी को सक्सेस 5 दिन में मिलती है, किसी को 10 दिन में, किसी को 2-3 सालों में, लेकिन मिलती जरूर है। हर कोई अपने स्टेज पर जरूर पड़ता है। दूसरी बात मैं चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मुझे देख लीजिए, जब मेरी फोटोज देखते हैं लोग, वीडियोस देखते हैं, लगता है हाँ ये सक्सेस हो गया, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सक्सेस आप ही मत सोचिए, अभी यार 20-25 की लाइफ है, जब तक 50 ना हो ना तब भी मत सोचना सक्सेस हो गया। यहाँ तक कि उस टाइप पे भी आके मत सोचो सक्सेस। जब आपने सोच लिया कि हाँ मैं सक्सेस हो गया तो आप स्टॉप कर जाते हैं, आप कुछ नया प्लान नहीं करते। लोगों को बोलने दो यार, मैं इसका एग्जांपल लेकर एडवाइस देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि मैं भी इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ और घर में मेरे काफ़ी सपोर्टिव है, मम्मी पापा बिल्कुल सपोर्ट करते, बाकी अगर जो बोलते हैं बोलने दो, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पर। और अगला जो क्वेश्चन आता है कोलेब्रेशन को लेकर, जैसे हम यहाँ पर कोलैब कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने कल भी बताया था इवेंट में कोलेब्रेशन को लेकर, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस टाइप का कोलेब्रेशन जो सही रहता है इस टाइप का जो। दोस्त कोलेब्रेशंस का बड़ा ही सही सवाल पूछा आपने, देखा होगा मैंने बहुत फन वे में इसको वहाँ समझा रहा था, आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। ये कोलेब्रेशन पहले क्या था कि तू मेरी वीडियो में मैं तेरी वीडियो में, मतलब चले कोलेब्रेशन ये नहीं होता। कोलेब्रेशन मीन्स कि देखिए कि आपका चैनल क्या मोटा है, आपके फील्ड के जब लोग मिले नहीं कि पता चला कोलेब्रेशन ही डालते रहेगा जिंदगी में, नहीं, बीच बीच में कभी कभी आप लोगों को दिखाइए कि हाँ हमारी यूट्यूबर्स कम्युनिटी में बिल्डअप है, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की जान पहचान है। क्योंकि जब आप यूट्यूबर्स से मिलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, तब आपकी वैल्यूज देते हैं, क्या चाह रहे यार इसकी पहचान तो उस बंदे से है। तो ये सब चीजें आपको एक बड़ा बनाती है। ऑब्वियसली ये जरूरी है, शो ऑफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक दायरे में रहकर कि हाँ हम वो है भी। झूठ बोलना अलग चीज होती है, एक अपने आप को दिखाना कि जो मैं हूँ वो मैं आप मेरे देखा। तो कोलैबोरेशन हमेशा जब भी आपको बड़े यूट्यूबर्स मिले या अपने लिंक के भी लोग मिले तो उनसे कुछ बुलवा लीजिए, या फिर आपका कुछ ब्लॉग बर्थडे आ रहा है, चैनल का 1 लाख क्रॉस हो रहा है, 10,000 क्रॉस हो रहा है, 5,000 क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे में उनसे कुछ बुलवा लीजिए चैनल के बारे में, जिससे क्या होता है थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग होता है, क्रिएटर्स के बीच में आप जाने जाते हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4,000 समथिंग वाला और 2,000, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं आप यहाँ पर कोलैबोरेशन, जो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको खुशी की बात हूँ, आज ही हमने 2.5 मिलियन क्रॉस किया। हाँ, बहुत बहुत बधाई सर आपको, और 10,000 हमारा वो भी मेक रेंडर्स पे क्रॉस। और सर इसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे मेनली व्यूअर्स पूछते रहते हैं, वो है कि हम चैनल नेम क्या रखें, इसके ऊपर आप। बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है चैनल नेम। चैनल नेम के लिए 20-25 दिन लगातार सर्च करते रहे, क्या डालू सोचिए, क्योंकि कैची था चैनल नेम बहुत बेटर। सर आप अपना बताइए, आपने मेहनत टेक्निकल कैसा रहा? बहुत सारे नाम रखे, अभी मैं कभी दिखाऊंगा एक लिस्ट में अपने इंस्टा पे शेयर करूंगा, फॉलो करिए। प्रॉपर मैंने जो लिखे थे ना, ये मैंने लिखा ज्ञान की खोज, ये खोज वो खोज, बहुत सारे नाम मैंने रखे थे, लेकिन अचानक स्टूडेंट ने मुझे एक नेम बताया कि सर महात्मा जी टेक्निकल रखिए, और वो नाम मुझे चुभा, मैंने कहा ये नाम सही लग रहा है, तो हमने वो रख दिया उसका नाम। बिल्कुल बिल्कुल, खैर मेरे चैनल में तो मुझे आइडिया था नहीं, तो मैंने अपने नाम से अपना नाम भी बहुत जरूरी है, मैंने अपने नाम को ब्रांड बनाना है करके चालू कर दिया यहाँ पर। सर और आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं उसके बाद। मेरा एज ए प्रोफेशन टीचर है, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल लाइफ जी रहा था, अच्छा खासा पैसा वहाँ भी अर्न कर रहा था, गाड़ी फोन सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पैसे की चमड़ थी तो यूट्यूब पे आया। बट लाइफ में क्या था, ये कुछ नया करने का मन करता था, हर 3-4 साल आप एक चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं, तो ये कुछ नया करना, नए करने के लिए स्टूडेंट सजेस्ट किया सर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाइए, तो अच्छा लगता है, हम वीडियोज़ में आ रहे हैं लोगों में देखेंगे, तो बस इसी सोच में बनाते गए, फिर धीरे धीरे प्लान्स आते गए, आइडियाज़ आते गए और आगे बढ़ते गए। और सर ये तो हमने जान लिया आपके जर्नी के बारे में, वैसे आपने काफी कुछ बताया हुआ अपने जर्नी के बारे में,
और बस एक लास्ट क्वेश्चन है, एक मतलब आप सक्सेस टिप्स दे रहे हैं हमारे जो नए, मेरी सक्सेस टिप्स एक ही है, कल भी मैं बार बार ये ट्वीट कर रहा था कि कंटेंट पे फोकस करिए, कंटेंट एक ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेढ़ या दो, डेढ़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं उससे थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिए, कुछ नया चेंज कर लीजिए, उसके अलावा अदरवाइज कुछ नहीं, और सिंपल उसी पे कंटेंट को इम्प्रूव करते रहिए, आई एम श्योर आपका चैनल ग्रो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर महात्मा जी टेक्निकल ने काफी सारे सवालों का यहाँ पर जैसे आपके मन में था उसका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जवाब जो है दिया, और आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी, और सबसे पहले मैं महात्मा जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर समय निकाला, इनका मैसेज आया मेरे पास, मैंने कहा बिल्कुल जब मैं हूँ तो क्यों नहीं मिलेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी के साथ वीडियो का हम खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए मैं हिनाश मौर्या और महात्मा जी यहाँ पर लेते हैं विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।